हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा लकड़े पढ़ता हूँ फाइनली दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूपी पी सी एल में आपका टी जी टू और आपका लेनमैन के कितने रिक्त पद खाली हैं और दोस्तों धीरे धीरे जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी चल रही है और इन सारी बातों में वीडियो में विस्तार से बात करेंगे तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को, तो को, को भी, भी नोटिफिकेशन आपको से पहले प्राप्त हो सके और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको नीचे को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा को स्टार्ट तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दीपक जी हैं ये इन्होंने जो हमारे साथ ये अपनी जानकारी शेयर की है इन्होंने आर से जवाब मांगा था उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में आपका टी जी टू और आपका लाइनमैन के कितने पद रिक्त पद हैं जो अभी भी खाली पड़े हुए हैं और दोस्तों यहां पर बात करें डेट की बात करता हूं तो 16 जनवरी 2023 की ये अपडेट है और यहां पर देख पा रहे हैं आप सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री दीपक जी मतलब ये है इन्होंने जानकारी मांगी है इनके संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है और दोस्तों आप यदि आपके पास भी या किसी और डिपार्टमेंट से संबंधित आपके पास ये आर है और उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दे दूंगा आप उस पर जानकारी साझा कर सकते हैं आपकी वीडियो बना दी जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कुछ दिन पहले जो आपका जो रिक्त पद है उनके भरे जाने की जो प्रक्रिया है यानी कितने रिक्त पद हैं और कितने कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग है रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था उन सारी बातों पर अभी कुछ समय पहले लगभग एक महीने के आसपास वो सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो चुकी थी और फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है आपका यहाँ पर इन्होंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे लेकिन फिलहाल इसमें जो यहाँ पर जवाब देख पा रहे हैं वर्तमान में पालिका में आपका पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में टी विद्युत और टी लाइन के कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी है तो वहां से जो जवाब मिला है यहां पर आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं समस्त वितरण निगमों में सूचना अधिकार मतलब प्राप्त सूचना के अनुसार एक दस दो हजार बाईस की स्थिति यहां पर आप देख पा रहे हैं एक दस दो हज़ार बाईस की स्थिति है इसमें अभी दोस्तों जो आपका जो रिक्त पद का जो ब्यौरा मांगा गया था अभी वो वाले इसमें पद इंक्लूड नहीं हुए हैं यानी अभी और भी कुछ पद हैं जो इन इसमें इंक्लूड होने हैं बाकी हैं तो अभी एक दस दो हजार बाईस की स्थिति के अनुसार ऐसे ही आपका एक दस दो हजार तेईस की स्थिति के अनुसार आएगा तो उसमें कुछ पदों की संख्या बढ़ोतरी हो जाएगी तो लगभग टी विद्युत के जो पद हैं वो छः सौ हैं और आपका लाइनमैन के जो पद हैं आपका पैंतालीस हैं दोस्तों इन सारी जो पद हैं अभी इसमें थोड़े बहुत पद और ऐड होने वाले हैं एक एक दस आपका दो हज़ार तेईस की स्थिति के अनुसार जब ये डाटा आपका कैलकुलेट होगा तो उसमें और ये पद ऐड हो जाएंगे तो दोस्तों अभी कुल मिलाकर बात करें तो टी जी टू के छः सौ चौरानवे और पैंतालीस सौ दस आपके लाइनमैन की जो पोस्ट है वो अभी खाली पड़ी हुई हैं और इस पर प्रक्रियाएं अब धीरे धीरे चल रही है यानी पिछले महीने मैंने आपको दिखाया था कि इस पर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है और सारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है उसके बाद वैकेंसी सर्कुलेट होगी और दोस्तों फिर जल्दी से वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है तो फाइनल दोस्तों एक बार फिर बताना चाहता हूँ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो टीजी टू के जो वैकेंसी है यानी पोस्ट वो छह सौ चौरानवे हैं ऑनलाइन में के आपके पैंतालीस सौ दस पोस्ट अभी खाली हैं अभी इसमें दो हजार तेईस की जो वैकेंसी है वो आपकी कैलकुलेट नहीं हुई है क्योंकि भी अभी आप यहाँ पर एक दस दो हजार स्थिति के दो हजार बाईस की स्थिति के अनुसार ये डाटा प्रस्तुत किया गया है तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से लाइक और शेयर करें चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो लाता रहता हूँ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू नेक्स्ट टाइम